brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं, और 24 में भाजपा जाएगी ये नीतीश जी भी चाहते हैं और उनका भी सहयोग हमको मिला। 14 में जो आए थे 24 में जाएंगे ये उनकी भी इच्छा है, उसी अनुसार हम काम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर। पेरोल किस लिए हुआ था, कौन करा रहा था? प्रशासन के लोग ही करा रहे थे, उनसे करा रहे थे, छूट था। कुछ भी कराया क्यों ये घबराहट में, क्योंकि वो हार रहे हैं। हो जाएगा ज्यादा लोग, माइक नीचे रख लीजिए सबका। सर सुशील कुमार का निधन हो गया है, माइक रख लीजिए। देखिए बहुत ही दुखद खबर कल रात में हमको मिली, सुशील मोदी जी का निधन जो हुआ है इससे हम लोग आहत हैं। हमारे पिता से पुराना उनका संबंध रहा है, आप जानते हैं जब से छात्र राजनीति पिताजी कर रहे थे तब से दोनों लोग साथ थे, मिलकर के काम किए। भले ही विरोधी दल में रहे हों लेकिन हम लोगों का हमेशा से उनके प्रति जो है सम्मान जो है रहा है। राजनीति अपनी जगह पे है लेकिन जो रिश्ते हम लोगों के थे वो बेहद अच्छे थे, और आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले, और उनके पूरे परिजनों परिवार के साथ हमारी संवेदना है। सर प्रधानमंत्री जब पटना आए थे तो उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर जो लोग बांटना चाह रहे हैं, आप लोग का नाम लिया था कि हम बांटने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। कितने साल थे हम लोग सरकार में? 15 साल केंद्र में थे, कांग्रेस की भी 3 साल तक सरकार थी, हम 18 महीने थे, 17 महीने थे, 15 में 18 महीने, अभी 17 महीने। क्या हुआ? EBC का, OBC का, SC का, ST का आरक्षण बढ़ा 75%। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने शेड्यूल लाइन में डाला जब हम लोगों ने कैबिनेट में भेजा? तो चाहते तो वो नहीं है, शेड्यूल लाइन में तो करो। किसका बढ़ा था? EWS का भी 10% जो रह गया, तो हम लोगों ने तो बढ़ाया है सबका। और जो भी है पिछड़ेपन के आधार पर ही जो है आरक्षण मिलता है। आज बनारस में जिस तरीके से मेगा रोड शो और नॉमिनेशन हुआ, गंगा जी में पूजा हुआ, इवेंट करते रहते हैं, न्यूज बनाने का इवेंट करते रहते हैं, करते रहे, लेकिन क्या काम किया 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया। आगे 5 साल क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं दिया। रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो है लोड डाल दे रहे हैं, बेरोजगारी का, तानाशाही का, झूठ का, जुमलों का, जनता जवाब देगी। चार फेज में जो वोटिंग हुए हैं क्या है? कई जगह वायलेंस हुआ है। अरे भाई पेरोल किस लिए हुआ था, कौन करा रहा था? प्रशासन के लोग ही करा रहे थे, उनसे करा रहे थे, छूट था। कुछ भी कराया क्यों ये घबराहट में, क्योंकि वो हार रहे हैं। और यही नहीं, सारी सीटों पर जो है, हमारा एक और सीट था पलामू, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया रहा। और आपको हम बता दें, नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा जो है जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं, और 24 में भाजपा जाएगी ये नीतीश जी भी चाहते हैं और उनका भी सहयोग हमको मिल रहा है। अस्वस्थ है नीतीश जी, थोड़ा अस्वस्थ है, बनारस भी नहीं जा रहे हैं। 14 में जो आए थे 24 में जाएंगे ये उनकी भी इच्छा है, उसी अनुसार हम काम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर।